कौशाम्बी जिले में एक सप्ताह पहले निरुद्ध किए गए कई संगीन मामलों का मुख्य आरोपी गुलशन यादव को पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार करने की नापाक साजिश को कौशाम्बी पुलिस ने नाकाम कर दिया। आईबी के अलर्ट के बाद पुलिस ने 4 लग्जरी कार में सवार 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने कई अत्याधुनिक असले व पिस्टल भी बरामद किया है। एसपी प्रदीप गुप्ता के मुताबिक पुलिस अभिरक्षा से कैदी को फरार किए जाने की सूचना खुफिया एजेंसी के द्वारा उन्हें पहले ही मिल चुकी थी। मामले में सतर्कता बरतते हुए एसपी ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम के अलावा लोकल पुलिस भी लगाई गई थी। आज जब कैदी गुलशन यादव को पेशी पर ले जाया जा रहा था, तभी ओसा चौराहे के पास लग्जरी कार सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर कैदी वाहन को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर कार सवार 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 32 बोर की कई अवैध राइफल व पिस्टल भी बरामद किया है। क्राइम स्टोरी के लिए कौशाम्बी से शिवशंकर मदनवाल की रिपोर्ट। ये गुलशन यादव नाम का एक अभियुक्त है जो हमारे यहाँ प्रतापगढ़ से ट्रांसफर पे आया है। कल भी इसकी पेशी थी, बताया गया कि कुछ गाड़ियों से इसको घेरा गया गाड़ियाँ, फिर बाद में जब हम लोगों ने तलाशी कराई तो निकल गई। आज हम लोग सतर्क थे, आज भी जैसे ही ये निकला है पुलिस के वाहन से, उसमें कुछ गाड़ियों ने इसको घेरा है और उसमें तत्काल चेकिंग के दौरान 4 वाहन जो हैं लग्जरी गाड़ियां हैं फॉर्चुनर आदि, ये पकड़ी गई हैं। लगभग 10 लोग पकड़े गए हैं, काफ़ी मात्रा में असलाह पकड़ा गया है और इन पे हम जो भी धाराएँ बनती हैं उसमें लगा के इनको मुकदमा कायम करके जेल भेजा जा रहा है।